أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عزیزان محترم एक बहुत ही खूबसूरत सी नमाज जो हमारी हाजतों हम जैसे फ़कीरों की हाजतों की कबूलियत के लिए एक बहुत ही पावरफुल नमाज मिलती है, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ना कुछ हमारी इबादतों में कमी रह जाती है और इसी वजह से हमारी हाजतें कबूल नहीं होती। तो इन खामियों को दूर करने के लिए और हाजत की कबूलियत के लिए इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने दो रकअत नमाज की तालीम दी है। किताब दरमान फ़िक्र जो आगाह खबा सीखी है उसमें ये नमाज दर्ज है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ये नमाज जिसमें आप फरमाते हैं कि जो ये नमाज पढ़ेगा और इसके पढ़ने के बाद हाजत ना मांगे तो खुदा उससे नाराज़ हो सकता है, गज़बनाक हो सकता है, क्योंकि ये नमाज इतनी प्यारी नमाज है कि उसकी अदायगी के बाद ज़रूर कुछ मांगो। हत्ता ये भी लिखा है कि ये नमाज पहाड़ माउंटेन्स को हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इतनी ताकत है इस नमाज में। ये नमाज है तो दो रकअत की, लेकिन अज़ान मोहतरम पूरा एक हफ्ता उसकी तैयारी में गुजरेगी, क्योंकि पहले उसके लिए हम अपने आप को रेडी करें, अपने आप को गुनाहों से दूर करें, तैयार करें और फिर थर्सडे की जुहर के बाद इस नमाज को पढ़ना है। हज़ू ये मायने नहीं रखता कि आप थर्सडे को ही पढ़ें, बल्कि हफ्ते भर में किसी और दिन भी हम ये नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि थर्सडे नमाज जुहर के बाद ये नमाज को पढ़ें। और इसकी कुछ शरायत है कि सबसे पहले हमें मारिफत हासिल हो, नंबर वन कि हमें मारिफत हासिल हो, नंबर टू हुजूर कल्ब के लिए आप पूरा हफ्ता काम करें, यानी अपने कल्ब को पाक करें, अपनी कल्ब को खुदा की तरफ मुतवज्जे करें, और नंबर थ्री जब थर्सडे का दिन आए या जिस दिन आपने ये नमाज पढ़नी है आप थकी हुई ना हो, आपका माइंड आपका दिल कई और जगह पर ना हो, जिस तरह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है अल्लाहुम्मा फ़र्रिगनी लिमा खलक्तनी बे, क्या क्या कहती बीबी ज़हरा कि बारेला जिस काम के लिए तूने हमें खल्क किया है उसके लिए हमें फारिग रख, हमें फ्री कर दे। इस नमाज को पढ़ने के लिए जो इसकी ये इस नमाज को हमने कैसे पढ़ना है कि सबसे पहले रकअत में हमने सूरह अल हम्द को पढ़ना है और सूरह हम्द के बाद 11 टाइम्स 11 मरतबा आपने सूरह तौहीद की तिलावत करनी है, अपने को खालिस कर देना है। और सेकेंड रकअत में सूरह अल हम्द के बाद 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह तौहीद को पढ़ना है, और बेहतर यह है कि जब आप 21 टाइम्स सूरह तौहीद पढ़ें तो आपका दिल टूटे और एक आंसू बेशक अज़ीज़ों कम तरीन मकदार में हो, लेकिन आपको फील हो कि आपकी आँख नम हुई है। और अज़ीज़ों नमाज को ख़त्म करके सलाम के बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ें और इसके बाद 51 टाइम्स सूरह तौहीद की तिलावत करनी है और फिर 51 टाइम्स मुहम्मद व आली मुहम्मद पर दुरूद भेजना है, फिर सजदे में 100 टाइम्स 100 मरतबा
या अल्लाह कहना है, और इसके बाद अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत, अपनी इल्तिजा, अपनी दरख्वास्त, अपनी मुश्किल को बयान करें। लेकिन सबसे पहले इमाम ज़माना के लिए दुआ करें, और इसके बाद दूसरे मोमिन के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए दुआ करें। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे ना, तो यकीनन खुदा हमारी दुआ को पहले कबूल करेगा, और फिर आप देखेंगे कि परवरदिगार इस नमाज के सदक़े में, इंशाल्लाह इस अज़ीम इबादत के सदक़े में, इस नमाज के वसीले से हमारी हाजतों को ज़रूर कबूल करेगा। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।